रुको रुको रुको, तुमको एक बात बताना तो भूल गया, मैं फ्यूचर देख के आया हूँ। कंफ्यूज हो गए क्या? चलो डिटेल में समझाता हूँ। गुरु, अभी कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कल की मूवी के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करा था और कुछ अपनी थ्योरीज भी बताई थी उसके अंदर। मैंने सोचा नहीं था कि ये थ्योरीज इतनी ज्यादा सच हो जाएंगी। मतलब मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। एक तो ये मूवी इतनी ज्यादा औसम है और ऊपर से मेरी थ्योरीज कुछ तो सही थी और कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट निकली। तो चलो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हो फिर। गुरु, हिम्मत चाहिए ऐसा काम करके दिखाने के लिए। हाँ, तुम सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ कल की 2898 AD मूवी की। हाँ, मैं इस मूवी को देखकर आ चुका हूँ। अभी मूवी कैसी है, कैसी नहीं है, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, चलो डिटेल में समझाता हूँ। तो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर बारिश से लड़ते लड़ाते हुए मैं निकल गया था कल की मूवी देखने के लिए। और मूवी देखने के बाद मेरा हाल कुछ ऐसा था। गुरु, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में कोई भी स्पॉइलर नहीं होने वाला मूवी को लेकर, तो बेधड़क होकर देखना। गुरु, बाहुबली के बाद लोगों ने प्रभास से उम्मीद तो बहुत ज्यादा लगा रखी थी, मगर वो उम्मीद उम्मीद ही रह गई। और आदि पुरुष को देखने के बाद तो वो उम्मीद भी चली गई। मगर कुमार सानू का वो गाना नहीं है, दिल है के मानता नहीं, बस इसी वजह से हम लोग लग जाते हैं हर बार टिकट की लाइन में और अपना कटवा कर आ जाते हैं। मगर इस बार कटा उनका है जो ये सोचकर बैठे थे कि इस बार भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ बदलने नहीं वाला। मगर गुरु, मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, इस बार बदला कुछ नहीं है, मगर इस बार बदलाव हुआ है और ये बदलाव मुझे देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी मूवीज देखी है, उसमें हॉलीवुड की भी है, साउथ की भी और बॉलीवुड की भी है, मगर मैंने किसी मूवी का भी ऐसा इंट्रो नहीं देखा। मतलब इस मूवी की स्टार्टिंग में भी इतना ऑसम विजुअल दिखाया गया है, भाई मैं तो फैन हो गया नाग अश्विन सर का। गुरु, मैंने हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज देखी है जो उनके रियल गॉड्स पर बनी है। जब भी मैं उन मूवीज को देखता था तो मेरे दिमाग में एक थॉट आता था कि अगर महाभारत और रामायण आज के टाइम पर बने, मतलब आज के विजुअल को लेकर बने, तो वो कैसी होगी। फिर एक उम्मीद की किरण हमारे सामने भी आती है, आदि पुरुष। मगर आदि पुरुष को देखकर मेरा मन उदास तो हुआ था, मगर कल्कि को देखकर मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। गुरु, कल्कि में इतना ऑसम विजुअल इफेक्ट दिखाया है, गुरु मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मगर मैं फिर भी कुछ बोलना चाहूंगा, अगर मैं इस मूवी को एक वर्ड में डिफाइन करूं तो वो होगा मास्टरपीस। अब इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ होता है वो लोगों को इंट्रोड्यूस कराने में निकल जाता है। मैंने आपसे इस वीडियो में कही थी ना कि कल्कि की कहानी बहुत लंबी होने वाली है, कल्कि के और भी सीक्वल आएंगे, तो इसलिए उन्होंने हर एक कैरेक्टर को हमारे सामने इंट्रोड्यूस कराया और टाइम से विदाई दे दी। और इस मूवी का जो BGM है वो इतना ऑसम है भाई, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया, ये सुनने में ज्यादा अच्छा लग रहा है या देखने में। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन हिस्ट्री में साइंस फिक्शन मूवी को लेकर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है कल्कि मूवी ने, फिलहाल तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उस लाइन को क्रॉस कर पाए। मगर हाँ, मुझे भरोसा है अपने कुछ डायरेक्टरों पर कि वो उस लाइन को क्रॉस करके दिखा सकते हैं और ये देखने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और आप लोगों को भी होगी। और गुरु, इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है, इससे अच्छा मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि लास्ट के 10 से 15 मिनट में जो दिखाया गया है ना भाई, मतलब मार्वल DC ये कुछ नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो यही देखना है। मगर एक बात और है, हम इस मूवी को मास्टरपीस कह सकते हैं, मगर इस मास्टरपीस में भी कुछ कमियां हैं। अब वो कमियां क्या है, कुछ सीन में VFX थोड़ा लो क्वालिटी का लगता है जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हो, और क्योंकि वो कुछ ही सीन में लगता है तो आप आराम से इग्नोर कर सकते हो। और संभाला के लोगों के पास जो वेपन थे वो फेक लगते हैं, थोड़ी डिटेलिंग की कमी थी, बाकी कोई बड़ी गलती नहीं है जो आप इग्नोर ना कर पाओ। तो लास्ट में आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस मूवी को हॉल पे देख के आओ, क्योंकि इस मूवी का जो फर्स्ट लुक है वो बहुत ज्यादा ऑसम है। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है ना, ये वही है भाई।